हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 777 सोल टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज मैं डेली गाइडेंस के साथ आ गई हूं आप सभी के लिए, और देखते हैं आज का दिन आपका कैसा जाएगा। आज के दिन आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपका मूड कैसा रहेगा पूरा दिन, और एंजल आपको क्या बताएंगे। ठीक है, तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का दिन कैसा रहने वाला है आपका। स्टार्ट करते हैं। एक कार्ड आ गया हमारे पास, न्यू मून। सॉरी, न्यू मून नहीं है ये, फुल द फूल है, न्यू मून। ओके, मेरे कुछ नया हो सकता है आपकी लाइफ में आज, अगर मैंने न्यू मून बोल दिया है तो। लेकिन द फूल का कार्ड जो है ये भी हमें न्यू बिगिनिंग ही बताता है। तो हो सकता है कि आज कुछ नया शुरू हो आपकी लाइफ में, न्यू एक्साइटमेंट। और देखते हैं। ओके, आज आपका मूड भी एट ऑफ वैंड्स है आज मूड के लिए कार्ड, तो ये भी बहुत अच्छा कार्ड आया है। एक बार करियर में भी देख लेते हैं क्या होने वाला है आज। करियर के लिए गाइस दो कार्ड्स आए हैं, तो मैं ये दोनों लूंगी आज। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स और एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड हेल्थ के लिए आया फोर ऑफ कप्स। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, सॉरी नाइट ऑफ व्हील्स, यानी कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये। ओके, बहुत टाइम से आपको सोच रहे थे करने के लिए अपने करियर में, और काफी टाइम से मैं देख रही हूँ ऑनलाइन सर्च भी कर रहे थे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर या किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन द सेंस मे बी प्रॉपर्टी वगैरह, या फिर अगर प्रॉपर्टी का केस नहीं है तो फिर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, या फिर कुछ नया अगर कोई बिजनेस करना है तो उसके लिए काफ़ी आपने ऑनलाइन सर्च किया है और काफ़ी टाइम से करते आ रहे हो। ये अभी नहीं किया है, काफ़ी टाइम से करते आ रहे हो। तो हो सकता है कि इस चीज में आज आपके साथ कुछ न्यू बिगिनिंग हो जाए, कोई नई शुरुआत हो जाए, कोई नया आइडिया आपको मिल जाए जिस पर अब आप चलना शुरू कर दोगे, मतलब उसे फॉलो करना शुरू कर दोगे। और करियर के लिए गाइज ये जो कार्ड आया एट ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे दिख रहा है आप कितना हार्डवर्क कर रहे हो, और डेफिनेटली आप काफ़ी सीरियस हो अपने करियर को लेकर। मतलब आपको जो बनना है वो बनना है, किसी भी तरह कैसे भी आपको कोई कुछ चीज़ अचीव करनी है तो करनी है। ये आपका कुछ एटीट्यूड है और ये बहुत अच्छा एटीट्यूड है। ठीक है, जो एक माइंडसेट बना लिया तो उसे पूरा करके ही दम लो। बीच में छोड़ने से भी आपने जो इतना टाइम लगाया वो वेस्ट हो जाएगा, फिर नई चीज़ शुरू करोगे उसको भी नए तरीके से शुरू करना पड़ेगा। तो इसलिए पहले ही ऐसा कुछ माइंडसेट बनाओ जिसमें आप उसे कभी छोड़ना ही ना पड़े आपको। ठीक है, जिसमें आपका मन लगे, और मुझे लग रहा है कि आप जब इतने टाइम से सर्च करो तो डेफिनेटली गाइज वो आपके लिए यूनिक ही होगा, स्पेशल होगा जो आप उसे फॉलो करोगे आप। ठीक है, तो आज के दिन आपके करियर फैक्टर में कुछ नया हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है, न्यू ब्लेसिंग्स आते हुए देख रही हूँ, न्यू आइडियाज आपके माइंड में आएंगे और आप फाइनली आप कुछ एक चीज चूज कर लोगे और पर्टिकुलर उसमें आगे बढ़ोगे। ठीक है गाइज, आपकी लव लाइफ के लिए ना द फूल का कार्ड है। मुझे तो यहाँ पर भी न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रही है, रिकन्सिलिएशन होते हुए दिख रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में अब देखो ये पर्सन कितना खुश है और सूरज को छूने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसमें इट मीन्स ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ज़्यादा इसमें लगन है किसी भी चीज़ को करने की, गिव अप नहीं करता ये इंसान, हर एक कंडीशन में पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है। और ये चीज़ें बता रहा है कि इसकी सोल अभी कितनी खुश है और ये कितना एक्साइटेड है आगे की जर्नी के लिए। ठीक है, तो अगर इस तरह का आपका एटीट्यूड है तो डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग बहुत दूर नहीं है, पास है, आप बहुत अच्छे पाथ को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो मैं अभी अपने सेकंड वाले चैनल पर अब जो मेरी रीडिंग आएगी वो यही आएगी कि आर यू ऑन द राइट पाथ और नॉट। ठीक है, आप सही रास्ते पर है या नहीं है, तो उसे मैं 777 टैरोट पर अपलोड करूंगी। ठीक है, तो आप चाहें तो वहां पर जाके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं, रीडिंग आज ही के दिन अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो गाइज, और थोड़ा सा हेल्थ में मुझे इशू दिख रहा है, हेल्थ को लेकर आप थोड़े सीरियस नहीं हो, आप अपनी हेल्थ को ले रहे हो फॉर ग्रांटेड। हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना,
और अपना डाइट, अपना खान पान जो आपका है ना, जो भी आप खाते हैं, और उसको अपने डाइट के अकॉर्डिंग खाइए। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा स्वीट्स खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप फास्ट फूड खा रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ में थोड़ा सा अपना बैलेंस बना के रखिए। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ नहीं है तो फिर वेल्थ भी नहीं है, ठीक है। इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस रखिए। अदरवाइज आपका दिन मैं बहुत अच्छा देख रही हूँ। आज का दिन मुझे तो लकी दिन लग रहा है आप सभी के लिए, ठीक है। और जो भी आप काम करना चाहते हो सकता है कि आपकी बात बन जाए आपके वर्क एरिया में, ठीक है। आज का दिन बहुत शुभ है। तो अगर आप किसी भी काम के लिए जाएं तो जो भी जिन भी गॉड को आप मानते हैं, बिलीव करते हैं, उनका नाम लेके जाना, ठीक है। आपका काम बन सकता है। चलिए और देखते हैं और क्या है आज के दिन आपके लिए। एनवी, एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज, डोर टू वैल्यू, एंड दी सन। ओके, अच्छे कार्ड्स हैं। थिंकिंग वुमेन, आप ना ऐसा हो सकता है बहुत सोचते हैं, परेशान भी हो जाते हैं सोच सोच कर। ज़्यादा सोचिए मत, सोचना ठीक है, अच्छा है सोचिए, लेकिन इतना भी नहीं कि हेल्थ पर इश्यू आ जाए, डार्क सर्कल हो जाए, आप लीन होते जाएं, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। इतना सोच मतलब ओवर थिंकिंग ना बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है हेल्थ के लिए। और रही बात, आपके पास अच्छे प्लान हैं तो उन पर इम्प्लीमेंट शुरू कर दो, उसके बारे में सोचकर परेशान मत हो। आपकी इच्छा है कि आप सन को छुएं, आप चमके, ब्राइट है ना, एकदम शाइन करें अपनी लाइफ में, तो वो दिन दूर नहीं दिख रहा है मुझे। मुझे लगता है आपका मैनिफेस्टेशन बहुत पास है कि आप अचीव करने वाले हैं, क्योंकि सन कार्ड हमारे पास है नंबर वन। आपकी लाइफ में 100% आज के दिन कुछ नया होगा गाइस, कुछ ना कुछ तो न्यू बिगिनिंग होगी आपकी लाइफ में, ठीक है। मनी आप अट्रैक्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, ये आप में से कुछ लोग डेफिनेटली अट्रैक्ट कर रहे हैं, और भगवान कहते हैं ना मेहरबान होने वाले हैं आप पर। ये ना सच बताऊं तो मैं ये तो बात सच है, जो भी दिया है हमें, जो भी हमें मिला हुआ है, ये भगवान की कृपा है, उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन कृपा उन्हीं पे बरसती है जो डिजर्व करते हैं। तो अगर ये आपकी लाइफ में ये मनी आ रही है ना, तो आप ये डिजर्व करते हैं, ठीक है। आपने ये अर्न किया है अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली ये आप डिजर्व करते हैं, इसीलिए एंजल आपको ये ब्लेसिंग देंगे, ठीक है। आप एक डायरेक्शन चूज की करके, या फिर, या अगर आप एक से ज़्यादा काम करते हैं, अपने अपने आपको काफ़ी सारे कामों में इन्वॉल्व किया हुआ है, तो उसके लिए पर्टिकुलर शेड्यूल बनाइए और टाइम टाइम पर उसको कीजिए, उसमें डिले मत कीजिए, ठीक है। ये है आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। और बाकी आपको बिल्कुल भी जेलेसी फील नहीं करनी है। कुछ लोग आपसे काफ़ी आगे होंगे, कुछ लोग तो डेफिनेटली पीछे भी हैं, ठीक है। हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी का पाथ अलग है, तो आप उनके साथ कंपेयर मत कीजिए। आप अपनी लाइफ को ये देखिए कि मैं पहले कहाँ था, मैं अब कहाँ हूँ, ये ज़्यादा मैटर करता है। दूसरों के साथ कंपेयर करोगे तो फिर कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला, और आप हमेशा ना यही करोगे, अभी ये कमी है, ये कमी है। आप ये चीज़ मत देखिए, आप ये देखिए आप पहले कहाँ थे और आज आप कहाँ पर हैं, आपने कितना इम्प्रूव किया है खुद की लाइफ में, ठीक है। कितना कुछ आपने अचीव किया है, पहले आप क्या थे, अब आप क्या हो। आपको इस चीज़ पर फोकस करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ये है आपके लिए, ठीक है। एडवाइस देख लेते हैं आज के दिन क्या एडवाइस है। पर्सनल इशू आज सॉल्व हो सकता है, जो भी आपकी लाइफ में पर्सनल इशू है ना, सॉल्व हो सकता है आज के दिन। और ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, आप बहुत पोलाइट बनिए और अपने आप से प्यार करते रहिए, अपने आप को
वर्थी मानिए, अपने आप को स्पेशल मानिए, ठीक है, अपने आप को रिस्पेक्ट दो, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट और थोड़ा रिलैक्स फील करिए। ये ओवर थिंकिंग ज़्यादा आपके लिए ठीक नहीं है, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको मिलेगा। आप बिलीव कीजिए इम्पॉसिबल पर, ठीक है। देखते हैं कौन से एंजल आपके साथ हैं आज और क्या आपको बताएंगे, लेट्स सी। ओके, लॉर्ड कृष्णा आपके साथ हैं आज। और देखते हैं गाइस और कौन से एंजल आपके साथ हैं। ओके, हिलेरियन सॉरी, डिवाइन हीलिंग डिवोशन। एक कार्ड और लेंगे हम। ओके, डायना, फोकस इंटेंशन। गाइस थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। डायना आपसे कह रहे हैं आप अपने इंटेंशन पर फोकस कीजिए, इट मीन्स अपने पर्पस पे फोकस कीजिए, जो भी आपका पर्पस है आज के दिन, ठीक है। आपको अपने डिजायर के बारे में सोचना है, अपनी साइट्स हाई रखनी है, मीन्स आपको पॉजिटिविटी के साथ ही अपने डिजायर को फोकस रखना है और आगे बढ़ना है अपनी लाइफ पर। एक्सपेक्ट करना है कि आपको बेस्ट आउटकम ही मिलेगा, ठीक है, या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अपने डिजायर पर फोकस रखिए, अपने इंटेंशन पर फोकस रखिए, तो डेफिनेटली आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं। लॉर्ड कृष्णा आपसे कह रहे हैं डिवोशन। देखो लॉर्ड कृष्णा के अगर आप भक्त हैं और तो आप अपनी डेफिनेटली इनका सपोर्ट आपको मिल रहा है और ये आपसे कह रहे हैं ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस पे ट्रस्ट कीजिए। योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड। आपकी कमिटमेंट जो भी आप रख रहे हो ना, आप जो भी कह रहे हो लॉर्ड कृष्णा से, डेफिनेटली वो सुन रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं यू आर लव्ड अनकंडीशनली। आपसे बहुत प्यार करते हैं लॉर्ड कृष्णा, लव्ड अनकंडीशनली, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सपोर्ट है आपको लॉर्ड कृष्णा की, ठीक है। और साथ ही साथ डायना आपसे कह रहे हैं कि अपने डिज़ायर पर फोकस रखिए, ठीक है। और डिवाइन हीलिंग, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। ये कह रहे हैं कि डेफिनेटली आप अपने आप को ऑनर दें। मैंने कहा ना आपको अपने आप से प्यार करें, अपने रिस्पेक्ट करें, खुद को ऑनर दें, खुद को वर्थी माने, अपने आप को रिचार्ज करें, अपने आप को हील करें, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर जो लाइट है, जो टैलेंट है, ठीक है, वो दूसरों को भी सपोर्ट कर सकता है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, लॉर्ड कृष्णा की ब्लेसिंग्स आप पर है, ये बहुत खुशी की बात है। मनी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, और सन आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रहा है। तो गाइज डेफिनेटली अच्छे ट्रैक पर हो और बिलीव रखिए अपने प्लान्स पर, अपने डिज़ायर पर, लॉर्ड कृष्णा पर, अपने आप पर, ठीक है, अपनी डेस्टिनी पर, तो सब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। और मुझे लगता है कि आज कुछ न्यू बिगिनिंग हो सकती है, ठीक है। तो गाइज दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।